मेट्रो से आना, मेट्रो कनेक्शन है ना। अभी मैं इसका एक्सपेरिमेंट रेटो, वो जो चूहे पे एक्सपेरिमेंट करते अभी सेटअप आपको दिखाती हूँ, एकदम मचा के रखा हुआ है मैंने, बट सारा इज द बिगर प्रॉब्लम। दिस इज माई चकला एंड दिस इज माई बेलन। नाइस जॉब शालिनी। होता है लाइक वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, सब कुछ सब खिला खिला या खुश वाला माहौल नहीं रहता है। One day at a time. Yes, one day at a time. Yes. Hi everyone, मैंने सुप्रिया का हैट पहना हुआ है, she got this from Goa. वो पैकिंग कर रही है, जा रही है वो पवई अपने इन-लॉज के पास, तो 3 दिन बाद आएगी वो। फिर से मुझे छोड़ के जा रही ना तू? हाँ, पर मैं फिर से वापस भी आ जाऊँगी, जल्दी आएगी ना, जल्दी आऊँगी, प्रॉमिस। I'm leaving for the shoot, सारा के साथ जो है झुमका वाला। आई वॉज सपोज टू रीच 4 o'clock को, बट मैं निकल रही हूँ 4 o'clock को, मुझे यहाँ से आधा घंटा 40 मिनट तक लग सकता है। यार मैं तो हर जगह लेट लेट क्यों पहुँच रही हूँ, आई एम ऑलवेज रनिंग लेट, वाई? बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज़ आ रही है, वो सुप्रिया की मीटिंग चल रही है, सुप्रिया को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, और उसने भी अपना बैग पैक कर लिया, वो जा रही है ससुराल, 4 दिन बाद आएगी वो। दिस ऑल द स्टफ दैट आई माइट नीड, दिस इज अनदर बैग जिसमें शूज वगैरह रखे हैं मैंने, and this is my carry bag. क्या मस्त समा गया हम इस ऑटो में। We reached. मुझे देखना सुप्रिया और सारा की हाइट में कितना डिफरेंस है, इसलिए मैं आई हूँ। गाइस मुझे लगा था कि इतना ही बड़ा प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, बट सारा इज द बिगर प्रॉब्लम। आई वुड लाइक कुछ अच्छा भी रहना चाहिए ना। यस, तेरा पता कट गया, घर मिले तो मंडे को मिल। ओके बाय सुपी, इन योर हाउस करेंगे। Shalini is getting her hair done. मैं पहली बार F50 black use कर रही हूँ, मेरा भाई तुम्हें। My hair is done. बस यहाँ पे pin किया है, अभी सारा का hair चल रहा है वहाँ पे। देखो फज्जू मेरे पास आके बैठा है। फज्जू का scarf कितना cute है। मेरे bag में आएगा क्या? दीपिका पाडुकोन का airport look, है ना? एक baggy सा t-shirt, shirt. Sorry. I don't know. I wear it to the airport. I wear it in the house. You should do this. Mine. Okay. मैं रेडी हो गई, बस लिपस्टिक बची है, सारा का भी मेकअप चल रहा है। आई फील टायर्ड, पता नहीं क्यों, ऑलरेडी अभी तो सेकेंड हाफ बचा है, साड़ी के लिए मैं ही हूँ। Wow, I love it. इधर एक पिन लगेगी, हाँ मैं इतना नाचूंगी तो इतना लंबा हो गया कि तू देवा करके भाग सकती है। यू नो देवदास, जैसे देवा करके लास्ट में भागती है ना, she can do that because of if I ever want. मैंने साड़ी पहन ली, साक्षी हेल्प मी विद द साड़ी। मैं ज्वेलरी नाउ, आई गॉट दिस ज्वेलरी फ्रॉम भोपाल, ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं ये। लुक दिस नोज रिंग लुक्स बिग, बट आई डोंट हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस गाइस, सभी बड़े हैं मुझ पे। मोर बिंदी बैंगल्स, आई एम रेडी। 2000 years later. Video is done, edited by yours truly, Sara. You also edited. It was my fingers and Shalini's eyes and ears. Abhi khana aa chuka hai. I was saying ki 11:38 ho gaya guys. We have been filming. It's been like what 6 hours. 4:30 baje se shoot kar rahe hain. Mera sab saman aisa aisa pada hai. My camera died on me. Faju following Sara as usual. So many things are happening, but we are so happy with the results. Yay! I am so happy that Shalini is now in Bombay or I hustle with Shalini. SS. Hustle with SS. S2. S square. ठीक है. Whatever you like. मैंने मेकअप वेकअप सब उतार दिया, मैं पता नहीं सारा के सामने रोने लगी थी, इसकी वजह से मेरी आंखें सूज गई है और पूरा मेकअप मस्कारा एकदम ऐसे ऐसे हो गया था। एंड सारा ने मुझे बहुत समझाया, एंड शी वाज सो स्वीट टू मी, थैंक यू सारा। तो ये कर रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं कि मेरे घर के सामने इसे छोड़ के चले जाते हैं, नहीं कोई उठा के ले गया तो कोई इसको नहीं रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हाँ क्या बोलूँगी मैं कि पार्सल डिलीवरी नहीं हुआ। मैंने अमेजोन के पार्सल्स खोल लिए हैं, जल्दी से हॉल कर देती हूँ। थोड़े से ग्रूमिंग के आइटम और यूटेंसिल्स मंगाए हैं मैंने। फर्स्ट थिंग आई गॉट दिस बोल,
अच्छा बोल है ये, इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और इसका जो साइज और शेप है ना एकदम परफेक्ट है ये। आई ऑल्सो गॉट सेट ऑफ दीज टू बोल्स एंड आई फील लाइक ये काफी बड़ा हो गया है, मुझे ऐसे साइज के चाहिए या इससे थोड़े से छोटे, सो आई एम गोना गेट दिस चेंज्ड। मुझे सेंटीमीटर इन सब का थोड़ा सा आइडिया नहीं हो पाता है और मैंने ये भी मंगाया बिकनी रेजर। द नेक्स्ट डे रात को तो मैं सारे के सामने रो ही रही थी, अभी 2 घंटे पहले तक भी मैं रो रही थी और अभी बस मैंने सुप्रिया से बात की फ़ोन पे और मैं तब फिर रोना शुरू कर दी। प्रॉब्ली आई एम पीएमएसिंग, दैट्स वाई आई एम फीलिंग मोर इमोशनल टुडे। घर की भी याद आ रही है बट आई एम मच मच बेटर नाउ। होता है लाइक वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, सब कुछ सब खिला खिला या खुश वाला माहौल नहीं रहता है। Yeah, sometimes you feel sad, you go through so many emotions. But मैं बहुत गंदा वाला रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला। इतने सारे कपड़े धोए मैंने आज, सुबह से शाम हो गई, ऐसा कुछ खास किया नहीं मैंने। शाम को मेरा और सारा का वीडियो लाइव किया जो हम लोग ने कोलैब शूट किया था ना, और झुमका वाला सॉन्ग। I also talked to my loved ones. I felt better after that. And I saw kitchen ki halat and then I saw the amount of kapda jo mujhe dhona tha, so wo dali maine sukhane ki vyavastha kyunki chalo abhi Supriya nahi hai, wo in-laws ke yahan gayi hai, Monday ko aayegi wo, to I can use her room ka like railing, wahan pe kapde sukha sakti hu main, mere room ka railing jo main wale wo railing, uske baad dekhte hain kyunki I don't have a clothing rack jisme main ye kapde sukha saku, wo dekho कपड़े मैंने हॉल के रेलिंग में सुखाए हैं। 2 दिन से बारिश के आभास नहीं है तो ये सूख जाएंगे। आई ऑल्सो ऑर्डर ग्रोसरीज फ्रॉम ब्लिंकिट, कुछ भी घर में सब्जी नहीं था एंड वी हैव अ कुक नाउ जो कि हमारे लिए खाना बनाते हैं और नाश्ता बनाते हैं। वो सुबह आते हैं 9 बजे नाश्ता बनाने के लिए, फिर 12 बजे खाना बनाते हैं। इट्स बीन 3 डेज जिसमें से एक दिन उन्होंने ऑलरेडी छुट्टी ले ली है। मुझे सब्जियों की शॉपिंग का इतना आइडिया नहीं है कि कितना भाव है किस चीज़ का, सो अगर मैं मार्केट से जाके लेती तो मुझे लगता है कि थोड़ा भाव में अंतर होता, बट अभी तो जो भी है ये है। आई गॉट गोभी, कुकम्बर, ब्रिंजल, टमाटोज यहाँ रख देते हैं क्योंकि अभी वो वाले यूज होंगे, एंड मिल्क। मैंने बर्तन भी साफ कर दिए, बहुत कीड़े हो रहे थे तो यहाँ पे जो पौधा रखा था ना वो मैंने बाहर रख दिया। ये वाला बर्तन छोड़ दिया मैंने क्योंकि उस पर मैंने आटा गूंदा था। एंड नाउ आई एम गोना मेक डिनर फॉर माई सेल्फ, आई विल बी मेकिंग पनीर भुर्जी एंड 2 रोटीज। सो रोटी को बेलने के लिए जो चकला और बेलन होता है ना वो अभी तक हमने लिया नहीं है। सो देयर इज अ हैक दैट मैंने और सुप्रिया ने निकाला है जो हम करते हैं जब भी हमें रोटी खाने का मन करता है और हमें खाना रहता है। सो मैंने आटा ऑलरेडी गूंद लिया था, दोपहर में गूंदा था और मैंने इसमें भर दिया था। दिस स्टोरेज बॉक्स आई गॉट फ्रॉम अमेजोन, दिस इज ऑफ ग्लास। उस गैस में पनीर भुर्जी पक रही है, सो बेसिकली दिस इज माई चकला एंड दिस इज माई बेलन एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रोटी। तो जो सिंगाड़े का आटा होता है ना वो भी आपने देखा होगा कि पॉलीथीन में डाल के उसे फैलाया जाता है क्योंकि वो नॉर्मल बेलन से नहीं हो पाता। हमारे घर में तो पॉलीथीन में डाल के उसको बनाते हैं, उसको ऐसे फ्लैट करते हैं। एंड आई एम नॉट गुड विथ रोटीज, मुझे बेलना भी अच्छे से नहीं आता, मैं सीख जाऊंगी। एंड इट इज डेफिनेटली अ स्किल, अ गुड स्किल टू हैव खाना बनाना। सी इट्स नॉट गोल बट इट्स वर्केबल एंड नाउ लेट्स मेक रोटी। एक ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, थोड़ा फूला भी मेरा रोटी, रोटी तो फूलना भी शुरू हो गई। लेट्स सी, नाइस जॉब शालिनी, क्या मस्त फूली, देखो। एंड डिनर इज रेडी, मैंने थोड़ा सा ना अपने लिए ऐसा रायता भी बनाया है कुकम्बर का। इफ यू वंडरिंग व्हाट इज दिस, ये है ये सुप्रिया लेके आई थी एंड वी हैव बीन एंजॉयिंग दिस। ओके नाउ वी ईट, मुंबई का नज़ारा थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा मेरे बालकनी से। ये वाली रोटी सॉफ्ट है बट ये वाली रोटी थोड़ी सी पापड़ बन गई है, पर अच्छा है, ठीक है, मुझे पापड़ रोटी भी पसंद है। द नेक्स्ट डे टुडे डेफिनेटली फील्स लाइक अ प्रोडक्टिव डे क्योंकि सुबह से मैं एडिटिंग में लगी हुई हूँ। कॉन्टेंट में फिल्म तो कर रही हूँ बट एडिट कौन करेगा वो भी मुझे करना है। आई एम अ वन वुमेन आर्मी फॉर नाउ, सो एडिटिंग फिर घर का सेटअप इन सब में समय लग रहा है। सो थोड़ा घर का देख लेती हूँ, थोड़ा कॉन्टेंट का देख लेती हूँ, बट आई एम टेकिंग वन डे एट अ टाइम। एक बार सब सेटअप हो जाएगा ना तो आपको रेगुलर वीडियोज देखने को मिलेंगे। ये जो हमारे लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट है ना थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। एंड नाउ
I got ready to go to Oberoi Mall. काम के सिलसिले में I am collaborating with Sephora X Lancome guys. जितना मैंने MAC के बारे में सुना है ना उतना मैंने Lancome के बारे में सुना है और जब मुझे collaboration आया बाहर से I was like okay we can work on it और अंदर से I was like Yes, I want to work. So I am creating a makeup look. So real के लिए collaboration है. उन्होंने मुझे products भेजे. जो foundation उन्होंने मुझे भेजा ना, that is way too light for me. This is the foundation. और मैं इसे exchange कराने के लिए basically जा रही हूँ. I will get my own shade. Oberoi Mall Sephora में हूँ मैं इस वक्त. I was trying out different shades of Lancome foundation. I have pigmentation here now, so I think this will match me here. That one little has yellow tinge and this has a more pink tinge. Okay. Which one will you suggest to me? This one. This one? Yeah. Guys, I got the shade. Now I'm going to Zara. Hindi mein likha wahan pe. यहाँ पे अंग्रेजी में ज़ारा से बर्थडे के टाइम पे जो कुछ कपड़े लिए थे वो मैंने एक्सचेंज किया. अभी भी ज़ारा में ऑन स्टोर तो सेल चल रहा था. सो ज़ारा से शॉपिंग होगी. आई ऑल्सो वेंट टू एसेसरीज. काफ़ी भारी है ये बैग. आई केम टू होम सेंटर ठीक है. ये लाइफ स्टाइल के अंदर है. आई वॉन्ट दिस पर मुझे लग रहा है कि 499 इज प्राइसी फॉर दिस. एंड मुझे चकला मिल गया गाइज. बट ये वुड वाला नहीं है, स्टील वाला है. And they don't have much options. Even 30-40 मिनट यहाँ पे मैंने स्पेंड किया. आई बॉट 2 बेड शीट 70% ऑफ में एंड सम प्लेट्स. पैक करवा रही हूँ और देखो सामान पकड़ पकड़ के क्या हालत हो गई है. भारी है यार सब कुछ बहुत. आज तो बहुत क्रेजी कर लिया. माय गॉड उफ थक गई मैं. बहुत भूख लगी है मुझे. लिफ्ट में हूँ मैं अभी. रात में भी कितना अच्छा लगता है फ्लैट. एक सेकेंड लाइट जलानी तो मुझे. क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? आई मीन लिटरली 10 मिनट पहले तक ये सब साफ था एंड नाउ लुक व्हाट आई हैव डन. आई सो नीड अ कबर्ड चेयर वट एवर बिकॉज मैं सब लाके बेड में पटक देती हूँ. लेट मी क्लीन इट. सो मच बेटर नाउ. 24 आवर्स लेटर आज एकदम ब्राइट सनी डे है. मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ. जा रही हूँ सारा के घर. कुछ फुटेज सारा ने मेरे व्लॉगिंग कैमरे से लिए थे फॉर हर व्लॉग तो वो मुझे उसे देना है और मुझे अपने YT शॉर्ट के लिए कुछ कंटेंट उससे लेना है. तो यू नो जस्ट मेकिंग श्योर कि मैंने सब कुछ बंद रखा है. स्विच कभी कभी मैं गीजर का स्विच ऑन करके चली जाती हूँ. एंड यू नो व्हाट गाइस आई फाइनली गॉट माय पीरियड्स आज. सो पिछले एक हफ्ते से जो मैं इतना इमोशनल हो रही थी. आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस. इट एक्सप्लेन्स नाउ. आई गॉट माय पीरियड्स. आई एम हैप्पी अबाउट इट. आई गॉट इट. व्लॉगसेप्शन. वो इतनी बिजी है कि अभी वो बात नहीं कर सकती. शी इज मल्टीटास्किंग. आपको डेटा चाहिए? डाटा? यस डेटा डाटा दोनों चाहिए मुझे. सारा मैं सोच रही थी कि जैसे लोग सेव करते हैं ना टू गो टू यूरो ट्रिप और गोवा और लाइक कॉलेज के लिए. आई शुड स्टार्ट सेविंग टू कम टू योर हाउस. इफ आई डू दिस एवरी सिंगल डे मेरे तो लग गए. व्हाट इतना लगा इशारा? 200 आने का 200 जाने का. कौन बोला था तेरे को कोने में मुंबई के जाके बसने को? कौन बोला था यहाँ पे बसने को तुझे? I'm in the center. Go everywhere is convenient. नहीं ये एक्चुअली ये वाला एरिया मेरे को महंगा पड़ा तो मैंने फिर नहीं लिया. अगर मिल भी रहा था तो स्पेस इतना मिल रहा था. स्पेस का बहुत इशू है इधर. तेरे लिए अच्छा है बट तुम मेट्रो से आना. मेट्रो कनेक्शन है ना अपना. डायरेक्ट नहीं है ना. घूमा गया था. दोनों नहीं मिलता मुंबई में. ये तो है. सारा इज टेकिंग मी समवेयर. वेयर आर वी गोइंग सारा? पापा बता भी नहीं रही. मेरे को बंद करके भाग गई. से हेलो. थिंक वो मुझे दिलाने लाई एक कुर्सी. सो मैं हर कुर्सी में बैठ के मैंने देखा एंड दिस इज माय कुर्सी गाइस. घर आ जाती है और उसको मेरे को कंफर्टेबल नहीं है सारा. एक्चुअली ये तकलीफ है. चेयर के साथ तो ऐसा चेयर सोफा बेड 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 के देखो तो बेड पे और भी चीजें करके देखो तो. इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? एक्सपायरी डेट तो चेक करना चाहिए मुझे. तो ना विल ईट अंडा विदाउट ब्रेड एंड विद सम एपिगेमिया. देखो सुप्रिया आ गई और आते ही वहां पे रख लिया सामान और लैपटॉप निकाल लिया उसने. व्हाइट कॉलर मजदूर. क्या व्हाइट कॉलर मजदूर? ऐसा नहीं बोलते सुप्रिया.
ऐसा नहीं बोल, क्या कर रही हो तुम, काम ही करोगे तो मनी कहाँ से आएंगे, पैसा पैसा का रेंट भरना अपन को। गाइज आपको पता है ना मैं कौन सा वाला प्लेट लेके आई, और सब पता है। तुझे पता है कौन सा प्लेट लेके आई, ब्लैक या येलो, जल्दी बता। लेट्स सी, मैंने पता है इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी। हाँ मैंने उस पर वोट भी किया था, सबका वोट ब्लैक था, ब्लैक था, मैक्सिमम लोग का वोट ब्लैक था। देखते हैं, खोलो खोलो, मैंने फाड़ ले उसको, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से पूरा फाड़ ना, यहाँ साइड से अच्छे से निकालूंगी। ओ येलो क्या है, चिंगी तो बदल गए रे। चिंगी तू बहुत चेंज हो गई रे। नाइस ना ये वाला, कितना अच्छा लग रहा है, सो मच बेटर देन ब्लैक वन। और वो इतना हैवी था वो ब्लैक वाला सुप्रिया, हाँ तुझे तो सुप्रिया रियली लाइक्स ओपनिंग पैकेजेस, तो मैंने उसके लिए ऐसे रख रखा था। आई ऑल्सो गॉट सम अदर स्टफ फ्रॉम अमेजोन, ये आलू प्याज रखने के लिए, बट ये साइड से यहाँ पे बेंड हो चुका है तो इसका ढक्कन बंद नहीं हो रहा है, बट क्वालिटी वाइज दिस इज रियली नाइस। लहसुन वाला तो ठीक है, इट्स अ गुड डब्बा, बट आई फील लाइक कि दो लोग के हिसाब से वी डोंट नीड दिस वन, आई मीन कितना ही लहसुन आता है हमारे घर में, सो आई विल गेट दिस एक्सचेंज, इसी में आलू प्याज लहसुन रख देंगे एंड दिस रिटर्न। मैंने प्लेटें अरेंज कर दी हैं, दो प्लेट अभी धोया मैंने मेरे लिए और सुप्रिया के लिए, खाना निकाल रही हूँ मैं। खाने में है दाल, पनीर भुर्जी जो कि जला नहीं, एंड चावल। हमारे नए प्लेट में खाना कितना अच्छा लग रहा है ना, सूपी। The next day. Today is second last day of my period. और आज मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, बट कल मैंने लैनकॉम का एक शूट किया था जो कि ब्रांड को खास पसंद नहीं आया, they wanted it to be more like aesthetic और luxurious दिखना चाहिए वो वीडियो, so I filmed it again. आज मैं ज़ारा जाके ये ड्रेस लेके आई टू फिल्म दिस content, क्योंकि मेरे पास ड्रेसेस नहीं है ऐसे यू नो सेटिंग मटेरियल वाले, तो सेल में था तो मैंने ले लिया इसको, एंड आई वॉज फिल्मिंग देयर। अभी सेटअप आपको दिखाती हूँ, एकदम मचा के रखा हुआ है मैंने, बट एनी हाउ आई फिनिश द शूट, आई स्टिल नीड टू एडिट इट। बट मुझे अभी सारा का मैसेज आया दैट माई कुर्सी इज ऑन द वे, माई एडिटिंग चेयर, वी विल हैव फर्स्ट पीस ऑफ फर्नीचर इन दिस हाउस। गद्दे भी सारा के दिए हुए हैं, मैं उसे सार मैट बुलाती हूँ उस गद्दे को। सुप्रिया भी काम कर रही है गाइस, गाइस लुक एट हर, उसके नए पिलो पे उसको उसने टेबल बना दिया और उस पर वो सेटअप जमा के काम कर लिया। So Supriya was working here, I was working here. Yeah, without furniture the entire space looks so big na Supriya. तो सोच मैं मेरा पूरा सेटअप यहाँ पे आ जाएगा, तो आई मीन हम बैठेंगे कहाँ। सो दिस इज द कुर्सी, मैं इसे ऊपर ले आई हूँ, हालांकि मैं एक बार ऑलरेडी बैठ चुकी हूँ। पॉलिथीन अभी मैं निकालूंगी क्योंकि घर पे पेंट का काम चलेगा। थैंक यू सो मच सारा अगेन फॉर दिस कुर्सी, काफी अच्छा कलर है, काफी कंफर्टेबल भी है ये। आई एम गोना मेक यूज ऑफ दिस अ लॉट। Supriya I'll jump on you. I'm coming. कैसा लग रहा है तुझे मेरे साथ रह के, बता, सच बता ना। बहुत ही अच्छा, एकदम मैं नई नई चीजें सीख रही हूँ, जैसे कि एच ए बी एच ए। मैं इसको नए नए स्किन केयर और मेकअप वगैरह भी ट्राई कराती हूँ, और जो तुझे मैं मेकअप वगैरह भी देती हूँ टेस्ट करने के लिए, अपना मैं अपने ऊपर भी स्किन के टेस्ट करती हूँ, सुप्रिया के ऊपर भी स्किन के टेस्ट करती हूँ। हाँ, अभी मैं इसका एक्सपेरिमेंट रेट हूँ, वो तो चूहे पे एक्सपेरिमेंट करते और खुद खुशी खुशी से टेस्ट करती है, बोलती कि हाँ चल चल आज ही अपन ट्राई करेंगे वो, ट्राई करेंगे वो। कृति सैनन का स्किन केयर लाइन खोला है तो बोलती ट्राई करेंगे अपन उसको, ट्राई करेंगे, अभी तक ट्राई हाँ करना है उसको। The next day. मैंने सुप्रिया को ये वाला मिरर दिखाया, she really likes it, so we are getting this one. This is 18x24. He was quoting 3,500. I got this for 3,000 rupees. Saved money. Now let's go for Chakla Belan shopping. Guys, हम चकला बेलन लेने के लिए आ चुके हैं। We came to a local shop. चकला बेलन के साथ साथ हमें दूसरी चीजें भी लेनी है, जैसे कूटने वाला और चाय का सस्पेंस, रोटी बनाने का, ये सारी चीजें अपने लिए ये सही है। हाँ, ये सही रहेगा। और बेलन बेलन और कौन सा भैया, थोड़ा मोटा वाला होता है ना वो है क्या? दिस इज फाइन ना। कितने का है ये? 240 का पूरा सेट, 200 तक लगा लो। अभी और सामान अभी और भी लेंगे। अच्छा ये ऐसे में बड़ा है पर इसका हैंडल इतना ही है ना। आई डोंट लाइक द हैंडल दो बट इट्स फाइन, आई एम बीइंग वेरी पिकी। क्या इसका नाम लिखा भैया, कौन है, नंबर है वो? अच्छा इसका नाम लिखवाना है सुप्रिया, नहीं
डिजाइन क्या यार, मेरे को नाम लिखवाना है शालिनी. सो हैवी. It's like a murder weapon. 2,000 years later. Shopping is done. हम लोग घर आ गए. We got all of these things for 1,800 rupees. ये बहुत expensive है, ठीक है? This was most expensive thing and unused thing. Shut up! I'll use this. Okay, Supriya. तो समझ एकदम homely vibes आती है. घर की आग लाती है. घर में furniture तो है नहीं और एक घंटे का किचन से ही घर शुरुआत होता है, ठीक है? किचन सेट हो जाए तो घर बनता रहता है. कहानी घर.